यूक्रेन को लग रहा था कि जंग में 1,10,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों के मारे जाने के बाद पुतिन का रूस जंग हार जाएगा, लेकिन देखिए सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जहां रूस ने यूक्रेन के सोलेदार में कब्जा कर लिया, तो वहीं यूक्रेन के पूर्वी शहरों को घातक मिसाइल हमलों से तबाह करके रख दिया। चाहे यूक्रेन का नेप्रो शहर हो या फिर कीव, रूस की मिसाइलों को ना तो यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम रोक पाया और ना ही अमेरिका की घातक मिसाइल। एक हफ्ते में ही यूक्रेनी लोगों की चीखें निकलने लगी। अब यूक्रेन, नाटो और अमेरिका भी कहने लगे हैं कि रूस के घातक हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी है। यूक्रेन की जनता भी अब चीख चीख कर सड़कों पर कह रही है कि यूक्रेन को बेहतर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दो, लंबी दूरी की घातक मिसाइलें दो, वरना यूक्रेन रूस के हाथों बेमौत मारा जाएगा। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। Our message is to our partners, please give us more rockets. We need. सोलेदार में रूस का खूनी हमला और कीव, नेप्रो पर रूस के घातक मिसाइल अटैक ने यूक्रेन की जनता में खौफ पैदा कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन भी यही चाहते हैं कि यूक्रेन की जनता को एहसास हो जाए रूस हार नहीं रहा है बल्कि यूक्रेन को मार रहा है। रूस के एक के बाद एक भयानक हमलों के बीच अमेरिका के जनरल मार्क मिले और यूक्रेन के चीफ जनरल वालेरी जालुजनी के बीच में एक खुफिया मीटिंग ने अब डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका कर रख दिया है। बिल्कुल, खबरों के मुताबिक रूस ने जिस तरह से निप्रो पर सोल्वो रॉकेट सिस्टम से घातक मिसाइलों से हमला किया है, उससे यूक्रेन और अमेरिका बुरी तरह से घबरा गए। अब तो ये भी खबर आ रही है कि अगले 72 घंटे में रूस यूक्रेन पर और भी ज्यादा भयानक हमले करने जा रहा है। शायद यही वजह है कि अभी तक रूस की हार का दावा करने वाले यूक्रेन और अमेरिका भी पुतिन से खौफ खाने लगे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन और अमेरिका के जनरल्स ने यूक्रेन पोलैंड सीमा में एक सीक्रेट जगह पर खुफिया मीटिंग की है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के सख्त तेवरों से यूक्रेन और अमेरिका बुरी तरह से घबरा गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच यूक्रेन पोलैंड सीमा पर खुफिया मीटिंग हुई है। इस खुफिया मीटिंग में अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल मार्क मिले और यूक्रेनी सेना के चीफ जनरल वालेरी जालुजनी आपस में मिले। जंग को एक साल होने वाला है, ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन और अमेरिका के जनरलों के बीच मीटिंग हुई। गुप्त जगह पर हुई इस मीटिंग में सोलेदार पर रूस का कब्जा और नीप्रो में रूस के घातक मिसाइल हमलों पर काफी विस्तार से बात हुई है। इसके अलावा यूक्रेन ने अमेरिका से साफ कहा है कि अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम जल्द से जल्द यूक्रेन को दे। खबरों के मुताबिक मीटिंग में अमेरिका और यूक्रेन के बीच इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि रूस को कैसे हराया जाए। रूस के भयानक हमलों के बीच अमेरिका के जनरल मार्क मिले और यूक्रेन के चीफ जनरल वालेरी जालुजनी के बीच खुफिया मीटिंग ने डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। खबरों के मुताबिक रूस ने जिस तरह से नीप्रो और सोल्वो रॉकेट सिस्टम से घातक मिसाइलों से हमला किया है, उससे यूक्रेन और अमेरिका बुरी तरह से घबराए हुए हैं, क्योंकि रूस ने अपनी एयरफोर्स, युद्धपोतों और जमीन से सोल्वो मिसाइल सिस्टम से पूर्वी यूक्रेन पर भयानक हमले किए हैं, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर यूक्रेनी मारे गए हैं। रूस के इस हमले के बाद से यूक्रेन में दहशत है, जबकि अमेरिका हैरान है। देखिए अमेरिका में पेंटागन के प्रवक्ता जनरल पैट राइटर क्या कह रहे हैं। Do you know that Russia launched a very heavy salvo of missiles from aircraft, from naval vessels, and from land against Ukrainian civilian infrastructure and civilian targets over the weekend? I think again it just highlights the nature of this conflict. And the lack of civility on the. पिछले दो हफ्तों में रूस ने यूक्रेन पर कब्जा करने के मिशन को बहुत तेज कर दिया है।
तीन दिन तक जबरदस्त खून खराबे के बाद रूस ने 12 जनवरी 2023 को यूक्रेन के सोलेदार पर कब्जा कर लिया है। दावों के मुताबिक महज तीन दिन की लड़ाई में 10,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन 200 किलोमीटर में फैली नमक की सुरंग वाले शहर सोलेदार अब रूस के कब्जे में है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक दो हफ्ते में रूस ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर खास तौर से अपना फोकस रखा है। रूस चाहता है कि पूरे डॉनबास पर रूस का जल्द से जल्द कब्जा हो जाए। Полномасштабные военные действия на Донбассе с 2014 года не прекращались с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Вот это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей... खबरों के मुताबिक पुतिन ने रूस के स्पेशल ऑपरेशन के चीफ कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमो को साफ बोल दिया है कि मार्च 2023 तक डॉनबास पर पूरी तरह से कब्जा कर लो